हमारे साथ आज का नया टॉपिक है हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि हमें पहले से पता है कि हमारे साथ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। हमारे साथ राइट एंगल ट्रायंगल वो हो एक ट्रायंगल होता है जिसमें हमारे साथ एक एंगल 90 डिग्री की बराबर हो। इसको हम क्या कहलाते हैं? इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं। अब हम यहाँ आपके साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बना देते हैं और इसके साथ ये हाइपोटेन्यूज भी बताते हैं कि हमारे साथ हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो यहाँ हमारे साथ ये एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ए बी कोई भी लेंथ की लंबाई वाली लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे साथ ए बी एक लाइन है जिसपे मैंने क्या कर दिया, बी सी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर आपके साथ वो एक लाइन होती है जो दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। तो हमारे साथ इस लाइन की ये बी सी जो लाइन है और ए बी सी लाइन का ए बी लाइन पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिलाता हूँ, इस सी पॉइंट और ए पॉइंट को क्या करता हूँ, स्केल की मदद से मिलाता। ये हमारे साथ क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका हमारे साथ ये जो बेस है, बेस तकरीबन हमारे साथ 4.2 इंच है। इसको हम बेस कहलाते हैं। आपके साथ ये जो आपके साथ राइट एंगल होता है इसकी बिल्कुल अपोजिट आपके साथ जो साइड होता है इस साइड को हम क्या कहलाते हैं, इस साइड को हाइपोटेन्यूज कहलाते। ये साइड हमारे साथ क्या है, हाइपोटेन्यूज कहलाते हैं। तो आपके साथ राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल की बिल्कुल अपोजिट जो साइड होता है इसको हम क्या कहलाते हैं, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहलाते हैं। और हमारे साथ ये नीचे जो लाइन होता है इसको हम क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। और इस लाइन को हम क्या कहलाते हैं, इस लाइन को हम परपेंडिकुलर कहलाते हैं। ये हमारे साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये था हमारे साथ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल।